आगे हम पर्सनालिटी इनपुट चार शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो का अंत तक पूरा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और पहले क्वेश्चन के अंदर आपको निम्न में से किस किस बहुपद के गुणनखंड हैं एक्स माइनस से एक। तो आपको किस किस बहुपद का, जैसे पहला गुण लिया हमने एक्स का चार माइनस दो एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो, तो इसको पी एक्स मान लिया हमने। और जी एक्स जिसका भाग देना है तो एक्स माइनस एक का देना है, तो एक्स माइनस एक बराबर शून्य, एक गुणखंड है तो जीरो रखेंगे। व एक्स बराबर माइनस का एक क्या हो गया, ये प्लस का हो गया था। एक्स का मान बहुत प्रतिशत करेंगे तो एक्स का मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे प्लस का, एक्स का प्लस का ही पक्षांतर करने। अब आपके पास एक्स ज्ञात चार था, इसमें हो गया एक ही ज्ञात चार माइनस दो एक्स का क्यूब तो एक का क्यूब माइनस तीन एक्स का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस दो इंटू एक और प्लस दो, एक को चार बार गुणा किया तो आपके पास आगे एक का एक माइनस दो एक कैसे गया, दो आएंगे वापस माइनस का माइनस, एक स्क्वायर एक से गुणा करेंगे तीन आएगा प्लस दो एक दो और प्लस के लास्ट के दो आ गए। अब इनके बाद क्या करना था आपको, प्लस वाले कितने हो गए देखो, दो दो चार एक पाँच, माइनस वाले तीन दो पाँच, तो पाँच में से पाँच जाए आपके पास जीरो बचा। अब इसमें क्या है, ये इस बहुपद का गुण करिए जीरो आ जाएगा तो बहुपद है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन पूरे मक्स मंच एक के रखने सभी पर, जीरो आ जाए तो गुणखंड है, जीरो नहीं आ जाए गुणखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुणखंड का प्रमेय का प्रयोग करते हुए याद कीजिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणखंड है, वही बात है ऊपर वाले सवाल वाले, उसमें मान एक ही था उसमें सभी का अलग अलग दे रखा है। तो जिसमें इसमें आपको दे रखा है पी एक्स का मान तीन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक जी एक्स एक्स प्लस एक, प्लस का एक माइनस का एक, एक्स का मान रखोगे तीन का तीन, एक्स का क्यूब माइनस एक का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस तीन इंटू माइनस एक प्लस एक। माइनस एक को आपको तीन बार गुणा करोगे तो वापस माइनस का एक आएगा और तीन से गुणा करोगे तो माइनस तीन, माइनस माइनस को माइनस एक से प्लस का एक आ गया और माइनस माइनस प्लस प्लस एक। अब प्लस वाले हो गए तीन और एक चार, माइनस वाले चार, चार में चार जीरो, तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये दे रखा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स माइनस पाँच बहुपद एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस दस का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इसका मान रखने पर क्या आएगा, जीरो आएगा शेष प्लस का। तो ये पी एक्स हो गया एक्स माइनस पाँच, तो माइनस का पाँच प्लस का पाँच, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाँच रख देंगे तो पी पाँच बराबर पाँच का क्यूब माइनस तीन पाँच का स्क्वायर के एक्स के इंटू पाँच माइनस एक्स। अब पाँच को तीन बार गुणा करना है, तीन को पाँच स्क्वायर, तो पाँच को तीन बार गुणा करेंगे एक सौ पच्चीस, तीन गुणा पाँच को पाँच से गए पच्चीस और ये हो गए पाँच के माइनस दस। अब इनके बाद इसको आगे हल करना है, तो 125 माइनस पचहत्तर प्लस 5 के माइनस 10 हल करने पर अब माइनस का 10 माइनस पचहत्तर जुड़ जाएगा तो ये हो गया माइनस के 85 प्लस 5 के, 125 में 85 घटा दिए 40 प्लस 5 के और प्लस का 40 उस साइड क्या हो गया माइनस का, और के बराबर 5 बटा में भाग में चला गया तो के का मान क्या आ गया माइनस के 8। चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स माइनस एक इस बहुपद का गुणनखंड है तो आप पी एक्स लोगे एक्स माइनस एक का मान रखोगे तो माइनस का एक परेशान है प्लस का एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर दे रखे हैं या एक्स दे रखे हैं, मान रखो एक्स स्क्वायर एक एक अंडरूट दो, दो को एक दो बार गुणा एक बार गुणा किया दो आ जाएगा, के को एक से किया के अंडरूट दो। अब आपको तो दो और अंडरूट दो जुड़ नहीं सकते, बताई थी परमिशन की आपको, के बराबर अंडरूट दो प्लस का माइनस हो गया प्लस का माइनस, माइनस कॉमन ले सकते हैं अंडरूट दो माइनस माइनस प्लस, के का मान क्या आ गया अंडरूट दो प्लस दो। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या पाँच, पांचवा अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक बहुपद एक्स ज्ञात चार प्लस ए एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस बी के गुणनखंड है जिसमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, तो एक्स प्लस एक और माइनस एक दोनों ही गुणनखंड है इसके, तो दोनों का मान प्रतिशत कर लेंगे। माना पी एक्स बराबर एक्स ज्ञात चार प्लस ए एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस बी, पहले हमने लिया पी का मान क्या लिया एक्स माइनस एक का सहायता लिया, पी एक्स का गुणखंड है तो माइनस का एक है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का एक, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ प्लस का एक रख देंगे तो एक ही घात चार एक का एक एक क्यूब तीन गुणा एक का स्क्वायर प्लस दो इंटू एक प्लस बी,
अब मान रखा तो एक को 4 बार ए क्या आएगा, एक को 3 बार वापस ए आ जाएगा, -3 + 2 b, ए प्लस बी। अब देखो 2 और 1 3, 3 में 3 = 0, समीकरण 1 मान लेंगे। एक गुणनखंड क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 px का गुणनखंड है, तो एक्स प्लस 1 है तो -1 मान लेंगे, जहाँ जहाँ माइनस है एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो -1 = 4, ए इंटू -1³ -3 × -1 + 2 × -1 + b। -1 को 4 बार गुणा किया प्लस का 1, -1 को 3 बार गुणा किया माइनस आ गया वापिस, 3 को -1 को -1 से प्लस, प्लस माइनस -3 + -+b। तब आपके पास कितने हो गए, भी माइनस का 1 प्लस का b, माइनस वाले कितने हो गए, 3 2 5 प्लस का 1, 5 में से 1 जाए आपके पास बचा 4, पक्षांतरण करोगे तो प्लस का 4। अब समीकरण 1 2 में मान एक जैसे आई लोपन विधि से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, तो -a + b = 4, a + b = 0, ए से कैंसिल, b भी 2 b 4 0 4, तो 2b = 4 और b = 4/2, अतः b का मान क्या आ गया आपके पास 4। अब b का मान समीकरण 1 और 2 में रख दें, जिस प्रकार हमने b का मान समीकरण 1 में रखा है, 1 में रखा b का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो a + b = 0 और b का मान 2 था, तो a = -2, पक्षांतरण किया तो a का मान -2 और b का मान 2। अब जो आगे 10th क्लास में काम आने वाली प्रश्नावली पूरी पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छठा क्वेश्चन तो लगभग फाइनल आता है प्रत्येक क्लास में। इसका पहला क्वेश्चन लिया 3x² + 7x + 2, गुणनखंड कैसे करते हैं, इन दोनों को इंटू कर लो, 3 × 2 = 6, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 6 × 6 = 7, 6 + 1 6x, दो दो क्वेश्चन में बनो, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3x, अक्स बचा 3 × 2 = 6, इसमें 1 का भाग जा रहा है x + 2 और 3x + 1, ये हो गया। एक अगला क्वेश्चन लिया हमने 4x² - x - 3, 1 और 4 को 3 से किया 12, घटाने पर क्या आना चाहिए, 1, तो 4 के फाड़े में 3 बार आते हैं और 4 को 3 से घटाएंगे 1, 4 - 3 इंटू करोगे 4x, -3x, 2 2 के समय बना लो, दोनों में 4 का भाग जा रहा है 4x, अक्स -1 प्लस, दोनों में 3 का भाग है 3x - 1, दोनों में से 1 ले लिया हमने और 4x + 3, तो ये तो आंसर हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बहुपदों के सुनेक ज्ञात कीजिए, सभी सवालों में सुनेक दिया होती है, अब आपको ज्ञात करना है दिया हुआ नहीं, अब कोई बहुपद दे रखा है x³ + 6x² + 11x + 1, ये बहुपद दे रखा है, तब इसका मान आपको ज्ञात कैसे करें, क्या पता चले इसका गुणनखंड है, तो आप करना क्या, जो चरराशि दे रखी है वो काम में लेनी है, चरराशि क्या दे रखी है, 6 दे रखी, 6 के अचर पद के, इसको अचर पद कहते हैं, उसके गुणनखंड कितने, किस किस फड़े में आते हैं, 1 के फड़े में, 2 के फड़े में, 3 के फड़े में, 6 फड़े में, क्यूब है, क्यूब का प्रयोग है, अक्ष के मान कितने अधिकतम आ सकते, 3 तक आ सकते हैं, चौथा मान नहीं आएगा, 3 आ जाएंगे कर लेंगे, तो पहले सबसे पहले सब संख्या प्लस की है, तो आपको 0 लाने के लिए माइनस में रखना पड़ेगा, तो पी का मान सर्वप्रथम मैंने -1 लिया, तो -1 का क्यूब 6 - 1² + 11 - -1 + 6, तो -1 का क्यूब 1 आएगा, -1² + 6 आ जाएगा, +−+ +6, अब 6 6 = 12, 11 1 = 12, 0 आ गया, तक -1 px = 1 हो जाएगा, इसका मान हो सकता है, फिर -2 लिया, तो इसी प्रकार -2 का क्यूब +6 × -2² + 11 × -2 + 6, -2 का क्यूब -8, 2 का स्क्वायर 4 6 = 24, +−2 = 22 से +6, तो +24 = 36 और -30, 30 में 30 = 0 बचे, इतना -2px = 1। अब जैसे -3 लिया, कभी 3 पूरे नहीं हुए, तो -3 का क्यूब जाक सेवा और 6 × -3² + 11 × -3, -3 को 3 बार गुणा किया 27 × 3 = 9, 9 6 = 54, +−+11 = 33 + 6, अब देख 54 6 = 60, 27 33 = 60, यानी कहने के तात्पर्य हो गया 60 में 60 = 0, अतः p - 3 px = 1, पी के मान कितने, अक्ष के मान कितने आ गए, -1 -2 और -3। पूरे क्वेश्चन ऐसे है गुणनखंड करने, जैसे हमने एक छठा क्वेश्चन लिया है x³ - 23x² + 142x - 120, तो पद के गुणनखंड, ऐसा पद गुणनखंड क्या था आपके पास, 120 था, तो 1 के फाड़े में आते हैं, 2 के 3 के 4 का, सभी भाग जा रहे हैं, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 10 12, ऐसे कोई और भी संख्या भाग जा सकते, बहुत सारे जा रहे हैं। अब पी का मान, जैसे हमने एक्स का मान सबसे पहले 1 लिया, तो एक्स का क्यूब 1 का क्यूब -23 इंटू
एक का स्क्वायर प्लस 142 इंटू एक माइनस 120, एक का क्यूब एक, 23, 142, 120। प्लस वाले कितने हो गए, 43 हो गए, 143, 120, 23, 43, तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसका मान लिया है, डायरेक्ट दो से नहीं आ रहा है, तीन का आ रहा है, तो कौन सा आएगा इसमें, टोटल 10 का मान पूरा पूरा जा रहा है बाघ। अक्सर क्यों 10 का क्यूब, 23 गुणा 10 का स्क्वायर प्लस 142 गुणा 10 माइनस 120, जहाँ से वहाँ 10 10 रख दिए, 10 को 3 बार और 10 को 2 बार 100, 100 को 23 से गुणा कर दिया, 142 को 10 से माइनस 120, तो प्लस वाले 1,1420, माइनस वाले 2300 और 120 जीरो आ रहे हैं। अब जैसे अगला गुणनखंड हमने 12 लिया है, तो 12 का क्यूब माइनस 23 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 142 गुणा 12 प्लस 20, तीन बार गुणा करेंगे, 12 बार 144 को 23 से गुणा किया, 142 को 12 से गुणा किया, 20 का 20, अब प्लस वाले क्या हो गए, 1728, और आपके पास आ गए 120 अभी है, माइनस का 120, तो माइनस 133 बारह जोड़ा 3,432, 1728 को 1724 जोड़ा 3,432, ये भी जीरो आगे। अतः एक्स का तीन तीन मान आएंगे, तो 1, 10, 12 और पी एक्स के शून्य है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.4 पूरी हो गई है। पूरी देखनी है इसको, बार बार देखने नहीं आए तो, फिर भी कोई और सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट से पूछ सकते हो आप।